लेडीज एंड जेंटलमैन, हम सब के लिए एक बहुत ही खुशी की बात है कि इस साल आपका फेवरेट चैनल जी टीवी ने अपने 25 साल पूरे किए हैं और साथ ही एक और पर्सनालिटी है जिसने फिल्म और टेलीविजन इंडस्ट्री में अपने 25 साल पूरे किए हैं। वो कौन है ये हम आपको बताएं उससे पहले उनके 25 साल की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्ट्रीब्यूशन को सम्मानित करने के लिए हम बुलाना चाहेंगे मिस्टर पुनीत गोयनका, एमडी एंड सीईओ जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं हमारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं जिनके प्यार की वजह से जी टीवी इस साल सिल्वर जुबली मना रहा है। साथ ही मेरे एक दोस्त, आप सबके बहुत ही फेवरेट सुपरस्टार, वो भी फिल्म इंडस्ट्री में 25 साल पूरे कर रहे हैं और इत्तेफाक की बात यह है कि उनका करियर भी टेलीविजन से ही शुरू हुआ था। ये पर्दा छोटा है लेकिन कलाकार को घर घर में बड़ा स्टार बना देता है। आपने उन्हें रोमांस का बादशाह बना दिया और जी टीवी को एंटरटेनमेंट का। आई थिंक अब तो आप सब समझ ही गए होंगे मैं किस शख्सियत की बात कर रहा हूं। हमें खुशी है कि जी टीवी के 25 साल पूरे होने के मौके पर हम उन्हें उनके 25 साल के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए सम्मानित करने जा रहे हैं और वो हैं मेरे अजीज दोस्त, दिलों के बादशाह, वन एंड ओनली शाहरुख खान। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद पुनीत, आपका, पूरी जी फैमिली का, सारे परिवार का। थैंक यू रोहित एंड थैंक यू भूमि फॉर हैविंग मी ऑन स्टेज अलॉन्ग साइड विद यू। और जब मैं शुरुआत में यहाँ पे आया था मुझे ऐसा लगा था डेढ़ दो साल काम करूँगा और फिर चला जाऊँगा और मैं 25 या 26 साल का था। एंड बहुत सारे लोगों ने ऐसा कहा कि बेटा देखना जब 50 साल के हो गए ना तब पता चलेगा। मैं हो गया हूँ 50 साल का, 25 साल पलक झपते ही निकल गए हैं लेकिन अभी तक ये नहीं पता चला कि 50 साल का होने में क्या पता चलेगा। और वो इसलिए नहीं पता चला क्योंकि मेरे जो डायरेक्टर्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, रोहित यहाँ पर हैं, पुनीत साहब यहाँ पर हैं, बहुत सारे डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स और को एक्टर्स, कॉलीग्स, राइटर्स, उन्होंने इतना प्यार दिया और उन सबसे भी ज़्यादा आप लोगों ने इतना प्यार दिया कि पता ही नहीं चला कि क्या होगा। और मैं यही अपने लिए दुआ मांगता हूं कि मुझे कभी ना पता चले कि क्या होगा और मैं ऐसे ही काम करता रहूं, आप लोगों को एंटरटेन करता रहूं। और यही मेरी तमन्ना है और यही मैं कोशिश करता हूं टू कीप माई सेल्फ हेल्दी सो आई कैन सर्व यू फॉर एज लॉन्ग एज आई कैन। बिसाइड्स दैट, छोटी सी कहानी, क्योंकि ये अजीब सी हमारी एक दास्तां है जी टीवी की और मेरी। सुभाष जी और मैं बहुत सालों पहले जब जी टीवी लॉन्च हो रहा था तो लंदन में एक बस में बैठे हुए थे। And I'm so proud of the fact that there's such an innovative, the first time and all the chances that Zee took in becoming the first satellite channel in this country, which was the precursor to everything that has happened in the television industry, including small artists like me who became big artists. So I want to thank Zee TV and the whole family for giving us an opportunity to become and fulfill our dreams. Thank you so much, Zee TV. Thank you, Puneet. God bless you all and have a great evening. Thank you very much. Congratulations, sir. Thank you. Hotere. Hello. Hotere ishq mein tehka pehle se hi kya use behkana o jalima. O jalima. Hotere ishq mein tadpa पहले से ही रख लो, ये दे दो यार। क्या उसे क्या कहूँ सर, ये शाम से परेशान कर रही आंटी पता नहीं कहाँ से आ गई है। बट हीरो आप होने चाहिए उसके अंदर।
शाहरुख खान आए हैं। Can I just touch you and feel you? शाहरुख खान, आपको पता है आपने जो बंगला बनाया अपना मन्नत, आपने बंगला बनाया उसके बाद भगवान जी ने सामने समुंदर बना दिया। अभी इतना बड़ा सुपरस्टार है, समुंदर तो चाहिए ही नेचुरल ब्यूटी। और मैं आपको सच बता रही हूँ, आपका रोमांस इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा रोमांस है आप में। आप देखिए इनका ऑरा रोमांस का, जहां ये रहते हैं 2-2 किलोमीटर तक बैंड स्टैंड पे लोग रोमांस करने आते हैं वहां पे। और खड्डे तो आए हाय। ओके, अब आप डिसअपॉइंट हो जाएंगे। आई एम मैरिड। व्हाट? हाँ जी, आई एम नॉट मिस, आई एम मिसेस। नहीं, हाँ जी, मैंने ना अपने पति को साफ कह दिया कि अगर तुम्हारे शाहरुख खान जी की तरह गड्ढे पड़ेंगे तो काम है। नहीं, गड्ढे नहीं पड़ते जी उनके। मैंने फिर उंगली डाल डाल के ना उनके गड्ढे निकाले, फिर भी गड्ढे निकले नहीं। मैंने फिर ना जाड़े निकाल दी दो, उसके बाद अब पड़ते हैं गड्ढे उनके। अच्छा, मैंने उनको कहा है मुझे कभी भी ना मेरे नाम से मत बुलाना, मुझे हमेशा कहना जैसे आप कहते हैं ना, पलट। मैं भी कह दूं तुमको एलिजाबेथ, पलट पलट। अच्छा, अब तो पलट जाए, इतना नकरा मत देगा। मैं आपके लिए कुछ मिठाई लाई हूँ, आपको वो खानी पड़ेगी। अब आप ना नहीं कह सकते। ओके, अच्छा, मैं ना ये मिठाई का डब्बा है। अरे अरे, खुली नहीं रहा, एक मिनट खोल देंगे आप प्लीज। अच्छा, शाहरुख सर को पता है कि अंदर एक भरा पूरा मर्द है, फिर भी शाहरुख सर थैंक यू सो मच। करोड़ों फैन हैं आपके सारी दुनिया में, मैं भी एक फैन हूं और मैं बहुत फॉर्चुनेट समझता हूं कि मुझे आपको छूने का मौका मिलता है। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स फॉर एंटरटेनिंग अस। थैंक यू सर, थैंक यू।